वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। यशीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है। इसे लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुँह रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी रक्तिम काया। आजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना। इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं। बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। यह कोई साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हस्कर लेता हो। सारी जनता हुक्का रुठी। हम आते हैं माता के चरणों में ये लोग अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक देखा बढ़ते ही आते हैं। चाकू छुरी कटारी से वो अपना रक्त गिराते हैं, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबोते हैं। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब रणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद।